मेंटली प्रेशर हर एक पर है। अगर पेरेंट्स में है तो आप पर ही है पूरा। अगर पेरेंट्स जी में पैसा नहीं तो आपकी जेब में पैसा नहीं, सिंपल सी बात है। तो हम लोग इस चीज को घटा के सारी चीजें 8-10 फीस कर लेंगे, ठीक है। हम आपको ग्रीन कार्ड देते हैं, ग्रीन का मतलब टेलर सिलेक्शन तक सिलेक्शन का हमारे पास पढ़ सकते हो, ठीक है, विद मटीरियल, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब कि हम आपको दोबारा प्रैक्टिस करती हो। अगर आप ए से जे भी हो जाते हैं, मतलब ए ही हो जाते हैं, तो भी आपको जरूरत पड़ती है तो भी हम आपकी हेल्प करेंगे। जैसे इंटरव्यू में हेल्प हो गया, आपको मटेरियल के हेल्प हो गया, ठीक है, वो सारी हेल्प देंगे पूरी लाइब्रेरी के लिए। अगर आपको कभी टेक्निकल जरूरत पड़ती है तो हमारी टीम, ठीक है, तो हम आपको हेल्प देंगे। किसी पैसे में आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। ये लगभग 4 से 5 महीने कम्प्लीट हो जाता है कोर्स, मैक्सिमम 6 महीने, ठीक, मैक्सिमम 6 महीने, 6 महीने लगते नहीं है। जब क्लास आपकी 7 से 8 घंटे 6 घंटे चलती है तो ये कोर्स आपका 4 महीने बैंडअप हो जाता है सही से। फिर उसके बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस चलती है, मतलब टेस्ट चलती है आपकी कंटिन्यू प्रैक्टिस। अगर मान लीजिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल की आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो अपने सेमेस्टर की, अगर आपने घर जाकर प्रैक्टिस नहीं की तो आप लिख नहीं पाओगे, भले ही आपको कितना भी आप लिख नहीं पाओगे। तो वही चीज़ है कि हम आपको क्या करते हैं कि आपको सिलेबस कम्प्लीट हो गया उसी चीज़ की हम कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, और वही प्रैक्टिस आपकी मेन होती है। क्योंकि यहाँ पर 200 नंबर है और 200 नंबर के 2 ही घंटे हैं, और 2 घंटे का मतलब कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है, ठीक है। अब 1 मिनट से भी कम समय सॉल्व करने के लिए आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए, ये चीज़ें हम वो बनाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये 200 क्वेश्चन हो गए नहीं, ये चीज़ है। डाउट किसी को डाउट है